सुमेरपुर के पूर्व विधायक मदन राठौड़ बीजेपी के लिए चुनौती बन गए हैं। बीजेपी से बगावत कर राठौड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सोमवार को एक निजी वाटिका में समर्थकों के साथ उन्होंने एक जनसभा की और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक और नामांकन दाखिल किया गया है। उधर उपखंड कार्यालय में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी से जोजाराम कुमावत, कांग्रेस के हरिशंकर मेवाड़ा ने भी सिंबल जमा किया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पार्टी का उम्मीदवार हूँ मैं, मेरा नाम हरिराम गाची है, मधेपुरा निवासी हूँ, सुमेरपुर का लोकल हूँ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसान हितैषी पार्टी है और किसानों के लिए सड़क से संसद तक लड़ती है पार्टी। हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने हर गरीब शोषित वर्ग को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास किया। हर किसान आंदोलन में उन्होंने मोदी जी को थूक के चाटने पर मजबूर किया और 70 दिन तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया किसानों के साथ। और मेरा एक सपना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सुमेरपुर विधानसभा से जीतेगी तो हर खेत निर्दलीय फॉर्म है, चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। वास्तव में कुछ काम अधूरे हैं, उन कामों को हमको पूरा करना है। घर घर जल पहुंचाना है, प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दवाई पुनर्वहन सुनिश्चित करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हर खेत को पानी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। बिजली निश्चित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए 24 घंटा प्रत्येक परिवार में, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। गाँव में विकास करेंगे, अधूरे काम है पूरा करेंगे।